हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 12 में हमने एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करते हैं। एक आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन 7 में हमारे पास में फंक्शन गिवन है x इज इक्वल टू साइन क्यू टी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस टू टी, वाई इज इक्वल टू कॉस क्यू टी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस टू टी। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो dx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा यहां से dx अपॉन dt इज इक्वल टू, ठीक है, देखिए u और v, यानी कि यहां पे हम कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है कि आप v को छोड़ दो, हमने इसे v कह दिया और इसे हमने u कह दिया। ठीक है, तो v को छोड़ दो, छोड़ दिया cos 2t, u का आप डिफरेंशिएशन करो, u है हमारे पास में sin 2t। ठीक है, तो sin 2t माइनस होता है, ठीक है, साइन क्यू टी को छोड़ दो, साइन क्यू टी को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसका करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस टू टी का, ठीक है, और डिवाइडेड बाय होता है वी एक्स पर, है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस टू टी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने फॉर्मूला के बेसिस पे इसको लिख दिया। ठीक है, अब आइए आगे हम काम करते हैं। तो कॉस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस टू टी को क्या करो, आप कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी कर दिया कॉस टू टी, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस टू टी। सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, तो थ्री साइन स्क्वायर टी आएगा, ठीक, फिर अगेन साइन का करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा कॉस टी माइनस साइन क्यू टी को कॉपी कर लो, कर लिया, ठीक है, और हमें पता है कि स्क्वायर रूट का करते हैं जब डिफरेंशिएशन, सपोज दैट मान लो कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे ना तो आपको मिलेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इनटू एक्स का करोगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें पता है और काफी बार हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, फॉर्मूला नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन पता है। ठीक है, तो यहां पे है क्या आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t, तो पहले लिखो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन हम करेंगे किसका करेंगे, कॉस 2t का, तो कॉस 2t का आपके पास में आएगा माइनस साइन 2t, अगेन डिफरेंशिएशन करोगे 2t का तो मिलेगा यहां से 2, 2 से 2 ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड में जब स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको मिलेगा यहां से कॉस 2t, ठीक है, dx upon dt, ठीक, यहां पे हम क्या करते हैं कि 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक, और इसका प्रोडक्ट इसके साथ कर देना है, ठीक, तो अरेंजमेंट करके लिख रहा हूं 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू, देखो इससे ये प्रोडक्ट होगा तो मिलेगा आपको यहां से कॉस 2t, ठीक है, एक साथ में ही अरेंजमेंट करके लिख लो cos 2t और इसको cos t को मैं ऐसे कर लेता, ठीक है, माइनस माइनस प्लस sin qt into sin 2t, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t, ठीक है, और होल डिवाइड में है आपके पास में cos 2t, ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते, अब देखिए ये फंक्शन इसके साथ में प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2 टी मल्टीप्लाई इसके साथ में हो जाएगा, तो हम यहां से लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस 2 टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन टू टी,
डिवाइडेड बाई कॉस टू टी स्क्वायर रूट ऑफ कॉस टू टी। ठीक है, क्या निकल के आया ये डीएक्स अपॉन डी टी निकल के आया। ठीक है, सिमिलर करेंगे हम वाई फंक्शन के लिए। ठीक है, वाई के लिए सिमिलर करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन करोगे t के रिस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा यहां से dy अपॉन dt इज इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन हमने कर दिया यहां से cos qt को, ठीक है, माइनस cos qt को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन हमने कर दिया किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 2t का और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। ठीक है, ये चलिए अब इसको कॉपी करना है, जब आप कॉपी करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। ठीक है, देखिए सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है, थ्री आ गया आया तो cos स्क्वायर t पावर में वन सब्ट्रैक्ट कर दिया इनटू, फिर अगेन हम किसका करेंगे cos का, यहां से मिल जाएगा माइनस sin t। ठीक है, माइनस cos qt को कॉपी कर लिया, ठीक है, और हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t, अगेन डिफरेंशिएशन cos का, माइनस साइन 2t, अगेन डिफरेंशिएशन किसका करेंगे 2t का, तो हमें यहां से 2 मिल जाएगा, ये 2 से ये 2 एलिमिनेट होगा। ठीक है, चलिए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास में बचा हुआ है, क्या बचा हुआ उसको तो लिखना भाई cos 2t। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे ना तो यहां से स्क्वायर रूट हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, सिमिलर इसी की तरह, तो एक बार मैं शो कर देता हूं स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t इनटू ये माइनस आगे ले लें, चलो ले लिया 3 cos स्क्वायर t इनटू sin t माइनस माइनस प्लस, ठीक है, cos qt into sin 2t एलसीएम लेते हैं एक साथ में ले लेते हैं, तो इसको यहां से रूट को हटा दो। ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने, एक स्टेप हमारा यहां से बच जाए cos 2t और होल डिवाइडेड बाय cos 2t। ठीक है, यह इसका इसके साथ में प्रोडक्ट कर दो, अरेंजमेंट करके और लिख दो। ठीक है, तो आपको यहां से मिलेगा माइनस 3 cos स्क्वायर t इंटू cos 2t इंटू sin t प्लस cos qt इंटू sin 2t डिवाइडेड बाय cos 2t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। ठीक है, क्या ये हमारा निकल के आया dy अपॉन dt। ठीक है, तो पहले यहां तक कॉपी किया जाए, हमें रोकना किसको है, इस फंक्शन को। ठीक है, लास्ट स्टेप हमें सॉल्व करना है। देखो यार ये क्वेश्चन तो लंबा है, पहले यहां तक कॉपी किया जाए। तो अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूले, हमें पता है कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू होता है dy अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक, तो वैल्यू करो, तो वैल्यू रखेंगे मिलेगा माइनस 3 cos स्क्वायर टी इंटू
कॉस टू टी इंटू साइन टी प्लस कॉस क्यू टी इंटू साइन टू टी, ठीक है। और डिवाइड में है आपके पास में कॉस टू टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस टू टी, और डीएक्स अपॉन डीटी आपके पास में है 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टू टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन टू टी, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ कॉस टू टी और इंटू में है आपके पास में कॉस टू टी, ठीक है। अब देखो यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पहले इसको चेंज करो, ठीक है। ये तो आपका कैंसर आउट हो जाएगा, इसके टेंशन मत लो, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले हमें क्या करना है, चेंज करना है, तो इसके फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं। आइए, तो आपको पता होगा हम जाना चाहते हैं साइन थ्री टी के फॉर्मूले में और कॉस थ्री टी के फॉर्मूले में, ठीक है। इस फॉर्मूले में जाएंगे तो हमारे लिए इजिली हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। चलिए, तो हम साइन टू टी का फॉर्मूला यहां पे इसको आइडेंटिटी में कन्वर्जन कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास में बचा हुआ है माइनस थ्री कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टू टी इंटू साइन टी प्लस कॉस क्यू टी, ठीक है। और हमें पता है कि साइन टू ए इज इक्वल टू होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब a के प्लेस पे क्या यहां है आपके पास में t है तो t रहेगा, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे क्या 2 साइन t इंटू कॉस t, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस 2t इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यू टी इंटू, सिमिलर करेंगे यहां पे 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है। अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, तो साइन टी और कॉस टी को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो साइन टी इंटू कॉस टी को कॉमन ले लिया, 3 कॉस टी बच जाएगा यहां पे, देखिए एक कॉस निकल जाएगा यहां से और एक साइन निकल जाएगा, ठीक है। तो कॉस 2t यहां पे बच जाएगा और यहां बच जाएगा आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2t, ठीक है। डिनोमिनेटर में सिमिलर बचेगा आपके पास में, ठीक है, लेकिन फंक्शन अलग होगा, ठीक है। तो 3 टाइम्स ऑफ साइन t इंटू कॉस 2t प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन क्यू टी, ठीक है। इसको कैंसल आउट कर दो तो माइनस 3 कॉस टी इंटू कॉस 2t प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस क्यू टी डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ साइन टी इंटू कॉस 2t प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन क्यू टी, ठीक। अब सुनो, हम यहां जाना चाहते हैं कॉस 3t के आइडेंटिटी के फॉर्म में, ठीक है, और यहां इस फंक्शन को हम कन्वर्जन करना चाहते हैं साइन 3t के फॉर्म में, ठीक है। तो कॉस 2t को अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 में, और अगेन कॉस 2t को हम चेंज कर दें अगर साइन के फंक्शन में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी,
पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए तो माइनस थ्री कॉस टी को ऐसे ही रहने दिया और इनको हम चेंज कर दिए टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन में और प्लस टू कॉस क्यू टी को ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस टू टी के प्लेस पे हम लिख देंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी, ठीक है। तो थ्री टाइम्स ऑफ साइन टी को कॉपी कर लिया और वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी हमने लिख दिया कॉस टी के प्लेस पे, प्लस टू साइन क्यू टी को कॉपी कर लिया, ठीक है। अब प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करोगे तो थ्री टू जा सिक्स कॉस क्यू टी माइनस माइनस प्लस थ्री टाइम्स ऑफ कॉस टी, साइन क्यों लिख रहा हूं मैं, कॉस टी है ना, प्लस टू कॉस क्यू टी डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट करो तो थ्री साइन टी और थ्री टू जा सिक्स साइन क्यू टी हो जाएगा, ठीक है, और प्लस टू साइन क्यू टी, ठीक है। इसको यहां देखो यार, अब क्या करना है, देखो ये और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये और ये सॉरी ये और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपके पास में मिलेगा क्या, छह में दो चला जाएगा तो चार मिलेगा, फोर कॉस क्यू टी प्लस थ्री कॉस टी डिवाइडेड बाय थ्री साइन टी माइनस फोर साइन क्यू टी, ठीक है, ये आपके पास में बचा है, ठीक। अब जरा सा फॉर्मूले को याद कीजिएगा, ठीक है, और हमें रफ करने की इजाजत दीजिए। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखिए साइन थ्री टी इज इक्वल टू होता है आपका थ्री टाइम्स ऑफ साइन टी माइनस फोर टाइम्स ऑफ साइन क्यू टी और कॉस थ्री टी इज इक्वल टू होता है फोर कॉस क्यू टी माइनस थ्री टाइम्स ऑफ कॉस टी, ठीक है, उल्टा होता है। तो माइनस को जो है ना यहां से कॉमन ले लो, या तो इसको हाँ माइनस को कॉमन ले लो, ठीक है, काम हो जाएगा अपना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस को ले लिया यहां से मैंने कॉमन, ठीक है, तो ये प्लस बन जाएगा फोर कॉस क्यू टी माइनस थ्री टाइम्स ऑफ कॉस टी डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन को कुछ चेंज करना है क्या, बिल्कुल चेंज नहीं करना है, जैसे वैसे रहने दो, थ्री साइन टी माइनस फोर टाइम्स ऑफ साइन क्यू टी, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस थ्री टी डिवाइडेड बाय साइन, ठीक है। और आपको पता है कि cos t डिवाइडेड बाय sin t इक्वल टू होता है cot t, ठीक है। अब t के प्लेस पे 3t है तो 3t रहेगा, तो माइनस cot 3t, ठीक। देखो ये क्वेश्चन नंबर दो था, ठीक है, इस तरीके से आपको सबमिशन। तो क्वेश्चन हमारा सेवन कंप्लीट होता है, कॉपी कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन एट का सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन एट है एक्स इज इक्वल टू ए ब्रैकेट कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाय टू ब्रैकेट क्लोज कॉमा वाई इज इक्वल टू ए साइन टी, ठीक है। तो पहले हम एक्स फंक्शन का करते हैं डिफरेंशिएशन, इससे पहले लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू ए ब्रैकेट कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाय टू, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। देखो एक्स का डिफरेंशिएशन जब हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा क्या, डीएक्स अपॉन डी टी, ठीक है। एक कांस्टेंट है कॉमन ले लो और डिफरेंशिएशन कर दो आप, किसका डिफरेंशिएशन करोगे, ये जो फंक्शन भी मैंने, ठीक है, cos t प्लस log tan t बाई टू, ठीक। cos का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि माइनस साइन टी होता है और log का डिफरेंशिएशन हमें पता है कि 1 बाई एक्स होता है, ठीक है। एक्स की प्लेस पे tan t बाई टू है तो tan t बाई टू लिख दो, अगेन डिफरेंशिएशन करोगे tan t बाई टू का तो मिलेगा आपको sec स्क्वायर t बाई टू, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब करना क्या है कि tan t बाई टू को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं और sec स्क्वायर t बाई टू को भी थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, ठीक है। तो कट कर कुछ छोटा हमारे बस में फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। करते हैं सिंप्लीफाई, a ब्रैकेट माइनस साइन t को कॉपी कर लिया, ठीक है, प्लस वन अपॉन टेन को हम लिख सकते हैं साइन t बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस t बाई टू और sec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर t बाई टू, ठीक है। आइडेंटिटी पढ़ाना, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा और sec थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन cos थीटा होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले में हम मूव करते हैं, ठीक है। देखो एक cos से एक cos को तो इलिमिनेट कर दो, अगर इस तरीके से कंफ्यूजन हो रहा था देखो ये प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। a ब्रैकेट माइनस sin t प्लस वन अपॉन sin t बाई टू, ठीक है। अच्छा सुनो 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 सुनो, अपने से एक मिस्टेक हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ है, अगेन हम t बाई टू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई टू मिलेगा, ठीक है, आने के हम सेपरेट करके लिखते हैं, ये मिस्टेक था छोटा सा, ठीक है, हो जाता है इनटू कॉस टी बाई टू, ठीक है। और फॉर्मूला आपको पता है कि टू साइन टी बाई टू इनटू कॉस टी बाई टू इज इक्वल टू होता है साइन टी, ठीक है। सारे फॉर्मूले लिखते जाएंगे, a ब्रैकेट माइनस साइन टी प्लस वन अपॉन साइन टी। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो साइन टी मिलेगा हमें और ये मिल जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस वन, ठीक है। a आपका कॉमन में है, ठीक है। चलिए यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक, dx अपॉन dt, इसको आप चाहे तो यही छोड़ दें, ठीक है। आगे मैं सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर t इज इक्वल टू आप लिख सकते हो cos स्क्वायर t, ठीक है, लिखते हैं, चलो लिखी लेते हैं। a इंटू cos स्क्वायर t ब्रैकेट नहीं लेते डिवाइडेड बाई sin t, ठीक। ये अपना आया है dx अपॉन dt, ठीक है। y को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, y आपके पास में गिवन है a sin t, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन करोगे t के रिस्पेक्ट में तो आपको मिल जाएगा dy अपॉन dt is equal to, sin का डिफरेंशिएशन आपको पता है cos t होता है, ठीक है। फाइंड करना क्या है, dy अपॉन dx is equal to dy अपॉन dt divided by dx अपॉन dt, ठीक है। इसकी वैल्यूज को रखते हैं तो dy अपॉन dt है a cos t डिवाइडेड बाई
और dx अपॉन dt आया है हमारे पास में e cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाई साइन t, ठीक है। ए से ए इलिमिनेट हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहां से मिलेगा क्या, ये साइन न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी कि साइन टी डिवाइडेड बाई कॉस टी। और अगर फाइनल आंसर लिखना है तो हम लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टेन टी, ठीक है। ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। कॉपी कीजिए क्वेश्चन 9 देखें। क्वेश्चन 9 है, x इज इक्वल टू ए sec थीटा कॉमा y इज इक्वल टू बी टेन थीटा, ठीक है। तो इजिली हम इनका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। आई थिंक ज्यादा ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। अब पैरामीटर यहां चेंज हो गया, पहले हमने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे वो टी के रिस्पेक्ट में किए थे, अब हमें थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। फाइंड क्या करना है, डीवाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा टी के रिस्पेक्ट में डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। टी नहीं है, थीटा है, ठीक है, हमने टी बोला था। चलिए, तो डिफरेंशिएशन आपको पता है सेक थीटा का होता है क्या, ए इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक। सिमिलर वाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू बी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। देखिए यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा। वैल्यूज को रख दो तो ए टेन थीटा इंटू sec theta, अरेंजमेंट करके थोड़ा सा मैंने लिख दिया है, ठीक है। अच्छा गलत भी लिखा है, ठीक है। y की वैल्यू रखना है b sec square theta divided by a sec theta into tan theta। अब सुनो, एक sec theta से पहले एक sec theta कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो b upon a sec थीटा आपके न्यूमिरेटर में बचा हुआ है और डिनोमिनेटर में आपके पास में tan थीटा बचा है, ठीक है। लिख लिया, ठीक। b अपॉन a को कॉपी कर लिया, ठीक। sec थीटा को ऐसे ही रहने दो, ठीक, या चेंज कर दो 1 अपॉन cos थीटा में, ठीक। डिवाइडेड बाय tan को लिख सकते हैं sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है। और थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, या तो आप इसको कैंसिल कर दो, ठीक, आप इसे कैंसिल कर दो, तो फाइनली आपके पास में क्या मिलेगा बी बाई ए साइन थीटा, ठीक। थोड़ा सा और अगर आप सिंप्लीफाई करने पहुंचेंगे तो आपको मिलेगा यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, है ना। तो बी बाई ए कॉसेक थीटा, ठीक है, ये अपना आंसर। आंसर चेक कर लें कि क्वेश्चन हम 10 का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 10 करते हैं। क्वेश्चन 10 हमारे पास में गिवन है, एक्स इज इक्वल टू ए ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है। और वाई हमारे पास में गिवन है ए ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। सॉल्यूशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। पैरामीटर अब हमारे पास में क्या है, थीटा, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है बाहर कर लो,
का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, ठीक है, और थीटा है तो रहेगा, प्लस थीटा को छोड़ दिया, ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन किया तो हमें मिला कॉस थीटा, ठीक है, प्लस, ठीक है, अब साइन को छोड़ दो, छोड़ दिया, और थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो वन मिलेगा, ठीक है, कैंसल आउट होगा, मिलेगा आपको यहां से एक ब्रैकेट थीटा कॉस थीटा, ठीक है, तो यहां से मिल गया डीएक्स अपॉन डी थीटा। सिमिलर करेंगे हम वाई के लिए, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन d थीटा, a कांस्टेंट है छोड़ दो वैसे रहने दो, ठीक है, sin का डिफरेंशिएशन करोगे तो cos थीटा मिल जाएगा, ठीक है, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, ठीक है, थीटा को मेरे डाउट नहीं कर, यहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो तो थीटा को छोड़ दो और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin थीटा, ठीक है, अब साइन का कर चुके यानी कि कॉस का कर चुके हो ना, तो कॉस को छोड़ दो, प्लस होता है और कॉस थीटा, थीटा का करोगे तो वन मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है उसको दिखाने का, ठीक है, डीवाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए ब्रैकेट कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा, cos थीटा से cos थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस में है ये, ठीक, कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे ये माइनस होगा ना, ये माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a ब्रैकेट थीटा sin थीटा, थीटा sin थीटा, ठीक, अब क्या करना है, तो हमें फाइनली फाइंड करना dy अपॉन dx, और हमें पता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू होता है dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा, ठीक, ठीक है, तो dy अपॉन d थीटा आपके पास में है e थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय e थीटा इंटू cos थीटा, ठीक, तो ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, फाइनली आपको यहां से मिल जाएगा टेन थीटा, ठीक, ये क्वेश्चन टेन भी आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का, उसके बाद में हमारा एक टॉपिक और बच जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे, फिर नहीं होगा तो हम वेक्टर शुरू करेंगे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में हमसे कह रहा है इफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए टेंडिंग टू पावर साइन इनवर्स टी कॉमा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए टेंडिंग टू पावर कॉस इनवर्स टी सो दैट डीवाई अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए टेंडिंग टू पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है, बोथ साइड पे हम लॉग ले लेते हैं, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, तो लॉग एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, लॉग ए टेंडिंग टू पावर, क्या हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स टी और पूरे का पावर हाफ, ठीक, इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करने जाते हैं, ये पावर जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका ए टेंडिंग टू पावर वन बाई टू साइन इनवर्स टी, ठीक, आप अगर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो, ठीक, हमें पता है कि पावर आगे आएगा तो पहले लिख दो हाफ साइन इनवर्स टी और लॉग ए, लॉग एक्स को हमने कॉपी, ठीक, अब कर दो डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो लिख देता हूं लास्ट क्वेश्चन है तो क्या छोड़ो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, पैरामीटर अपना क्या है टी है, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स,
ठीक है, अगर यही छोड़ देते हो तो गलत हो जाएगा। पैरामीटर आपका टी है, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो डीएक्स के अगेन करने जाओगे तो डीएक्स अपॉन डीटी मिलेगा इज इक्वल। ठीक है, हाफ को छोड़ दो, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन लास्ट वाला जो टर्म होगा लॉग ए को आप छोड़ते हो या करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है फर्स्ट टाइम में अगर आप लॉग ए को डिफ्रेंशिएट करोगे तो फर्स्ट टाइम में ही जीरो मिल जाएगा, सेकेंड टाइम में फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि छोड़ना पड़ेगा लॉग को। तो हम फर्स्ट टाइम में क्या करते हैं कि हम लॉग ए का डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, साइन इनवर्स टी का कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉग ए को छोड़ दिया और साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस टी एस टी एस स्क्वायर। ठीक है, कर दिया मैंने डिफ्रेंशिएशन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगेन करने की इसको जरूरत नहीं है, ठीक, करना भी नहीं। एक्स को शिफ्ट करो राइट हैंड साइड पे, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ए डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस डी एस, ये हमारे पास में आ चुका है। सिमिलर वाई के लिए करते हैं, इसको यहीं रहने दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, उससे पहले यार हमें लॉग लेना चाहिए, है ना, तो चलो जगह है कर लेते हो, टेकिंग लॉग बोथ साइड मिटाई दो इसे, लॉग वाई इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा लॉग ए टेंडिंग टू पावर वन बाई टू कॉस इनवर्स टी। ठीक है, अब करो डिफरेंशिएशन, जब डिफरेंशिएशन करोगे लॉग वाई तो मिलेगा आपको वन अपॉन वाई, अगेन डिफरेंशिएशन करने जाओगे आप तो आपको मिलेगा यहां से क्या डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू। ठीक है, इसको अरेंजमेंट कर दें, ठीक है, अरेंजमेंट कर देते हैं तो हाफ कॉस इनवर्स टी और लॉग ए को कॉपी कर लिया, अभी डिफरेंशिएशन मैंने नहीं किया नहीं है, ठीक है, मैंने डिफरेंशिएशन अभी नहीं किया, वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब डिफरेंशिएशन कर रहा हूं वन बाई टू, लॉग ए को छोड़ रहे हैं, ठीक है, या तो पहले अब कर लो तो जीरो मिलेगा, बाद में अगर करोगे तो जीरो मिलेगा, तो उस टर्म को आप नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो लॉग ए को मैंने छोड़ दिया और डिफरेंशिएशन किसका किया कॉस इनवर्स टी का, तो वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएशन करने जाओगे ना कॉस इनवर्स टी को छोड़ोगे और लॉग ए का करोगे तो जीरो हो जाएगा, कोई फायदा नहीं, तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू y log a divided by 2 times of square root of 1 minus t square। ठीक, चलो फाइंड करते हैं dy upon dx is equal to, हमें सो करना है minus y upon x। ठीक है, तो y आपके पास में आया y log a divided by 2 times of square root of 1 minus t square, अच्छा माइनस तो छूटा हुआ है, लिख ले नहीं तो बेकार हो जाएगा, सारी मेहनत पानी फेंक, मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स लॉग ए डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसल आउट होगा। ठीक है, लॉग ए से लॉग ए कैंसल आउट हो जाएगा, फाइनली क्या मिला आपको डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, यही हमें सो करना, तो इस तरीके से अपना एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट होता है। ठीक है, एक एक्सरसाइज और हमारे बच्चे हुए हैं 5.6, ठीक है, जो सेकेंड ऑर्डर पे बेस्ट है उसको करेंगे। ठीक है, तो कॉपी किया जाए।